वेल गाइस, चार्जशीट आ चुकी है सामने और इस हफ्ते कौन कौन से कैदी है नॉमिनेटेड, कौन कौन से कैदी जो है इस हफ्ते चार्जशीट में हो गए शामिल, किस तरीके से हुआ ये टास्क जहां पे नॉमिनेट करना था एक दूसरे को, चलिए बताती हूँ आपको इस वीडियो में। मैं वेदांगी करणिक आपका स्वागत करती हूँ हमारे फीफा फूज के यूट्यूब चैनल पर। वेल, इस बार कैदियों को दिया गया एक अलग वे में नॉमिनेट करने का मौका और कहा आपको ब्लू टीम में से एक और ऑरेंज टीम में से एक, ऐसे दो जन को नॉमिनेट कर रहा है और हर एक पर्सन को दो दो वोट डालने थे, एक ब्लू के लिए तो एक ऑरेंज के लिए। अब इसी के बीच जो जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा वोट्स आए हैं, जो लोगों का नाम सबसे ज्यादा आया है और जो लोग चार्जशीट में शामिल होते हैं, पहले तो पायल रोहतगी है क्योंकि खुद कंगना ने उन्हें इस हफ्ते के लिए चार्जशीट में डाल दिया है जजमेंट डे पर, जब उन्होंने जिशान के ऊपर जो जिस तरीके से कमेंट्स किए थे, कम्युनिटी को हर्ट किया था और बहुत सारी बुरी चीज़ें कही थी जो नहीं कहनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्होंने वो सारी चीज़ें कही जिसके चलते उन्हें डायरेक्टली चार्जशीट में डाल दिया। उनके साथ साथ शिवम और आजमा फलाह और मंदना और जिशान भी शामिल होते हैं ऑरेंज टीम में से फॉर द नॉमिनेशन फॉर द चार्जशीट। तो यहाँ पे ऑरेंज टीम में से पायल, शिवम, आजमा माफ कीजिएगा, अब वो ब्लू में चली गई है। सो ऑरेंज टीम में से पायल, शिवम, मंदना, जिशान एंड करणवीर, ये लोग नॉमिनेट होते हैं यहाँ पे। इमेजिन कीजिए, इतने स्ट्रॉन्ग कैदी है, कौन आखिर जा सकता है, देखने वाली बात होगी। और ब्लू टीम में से सिर्फ दो ही लोग नॉमिनेट हुए हैं, वो है आजमा फलाह और विनीत कक्कर। तो अब ब्लू और ऑरेंज में अगर हम देखें, मैक्सिमम वोट्स जो आए हैं, लोगों ने टारगेट किया है आजमा फलाह को और विनीत को, इसीलिए इन्हीं दोनों का नाम आया है, बाकी के लोगों का नाम नहीं आया है। तो ब्लू टीम में से कई लोग जो है नॉमिनेशन में आते आते बच गए, लेकिन शायद ऑरेंज टीम सही से नहीं खेल पाई, इसीलिए उनके मैक्सिमम लोग जो है नॉमिनेशन में आ गए हैं, चार्जशीट में आ गए हैं। पायल को अगर छोड़े तो शिवम, मंदना, जिशान, करणवीर, चार नाम जो है आ चुके हैं चार्जशीट में। और ये टोटल जो जो लोग नॉमिनेट है, मैं उनका नाम फिर एक बार बता देती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। पायल रोहतगी, शिवम शर्मा, आजमा फलाह, विनीत कक्कर, मंदना, जिशान एंड करणवीर बोहरा। सो इस हफ्ते आखिर कौन हो सकता है लॉकआउट, आपको बताना है इन द कॉमेंट सेक्शन। आपका गट फीलिंग आपको क्या है कहता, कौन जा सकता है इस वीक लॉकअप से बाहर, लेट मी नो। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।